थाना उत्तर इलाके के टापा कला में एक युवक का उसके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित पानी की टंकी के पास शव पड़ा मिला, जिसके शरीर पर धारदार निशान से हत्या की आशंका जताई गई। थाना पुलिस संग एसपी सिटी और सीओ सिटी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और शव पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल भेज दिया। दरअसल थाना उत्तर इलाके की नई पानी की टंकी टापा कला निवासी 22 वर्षीय अंशुल का शव उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर गुरुवार सुबह पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा, सीओ सिटी हरी मोहन सिंह थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित पानी की टंकी के पास अंशु नामक युवक का शव मिला है। सर और पैर पर चोट के निशान है। भाई आ गए हैं, परिजनों से बात की जा रही है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये मामला रात का तो पता नहीं है, इस समय हमने उठ के देखा तो यहाँ मरा पड़ा मिला। 2-3-4 माह पहले हमारे चाचा के लड़के जितेंद्र की शादी यहाँ नाले पे हुई थी, तो उसकी बहू को उन्हीं लोगों ने फांसी पे लटका के खुद मार दिया और चाचा को उनको फंसा भी दिया था। अब उसके बाद हमारे भाई को भी मार दिया, चाचा के लड़के को, उन्हीं लोगों ने। यहाँ भी मना था कि कहीं गए थे, पता नहीं, ये तो घर से निकाल के मारा है शायद, घर से उठवा बुला लिया होगा, फोन करे फोन भी नहीं है उस पर, किसने बुलाया ये तो पता पड़े। देखिए आज एक अंशुल नामक युवक की जो टापा काला मोहल्ले के रहने वाले हैं थाना उत्तर क्षेत्र के, उनकी हत्या की सूचना सुबह प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद ये भी देखा गया कि उनके घर से करीब 100 मीटर दूरी पर एक पानी की टंकी है जहाँ पर उनका शव पड़ा हुआ था। उनके सिर और पैर पर धारदार चोट के निशान हैं। उनके परिवारिक जनों से वार्ता की जा रही है। इनके परिजन कुछ लोग जेल में हैं, इनके एक भाई हैं वो आ गए हैं।